अगर आप कुछ दे सकते हैं देश को तो आप एजुकेशन को फ्री कर दीजिए, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो आपको फ्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीबों की थाली से रोटी छीन के अमीरों को मलाई खिलाना बंद कर दीजिए, इससे देश का भला नहीं होने वाला। फ्री फंड का देना, फ्री बीज कोई सरकार की उपलब्धि नहीं है। आपकी उपलब्धि तब होती है जब आप आवाम को इतना ताकतवर बना दो कि वो महंगी से महंगी चीजें खरीद सके। उपसभापति महोदय, क्योंकि 2 मिनट का समय है तो अपनी बात को संक्षिप्त में रखना पसंद करूंगा। और इस सदन में मैं सुषमा जी की एक बात को मैं कोट कर रहा हूं कि अभी कई सारे सांसदगणों ने, कई सारे लोगों ने बात को रखा और सभी लोगों ने इंटरनेशनल आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। यहाँ पर देश की जो गरीब जनता है, आदिवासी है चाहे वो दलित है, जो गांव में रहता है, डेली मजदूरी करता है, वो इंटरनेशनल आंकड़ों को नहीं जानता। उन्हें ये मालूम होता है कि आटा का भाव कितना है, दाल का भाव कितना है, आज तेल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, जो जरूरत का सामान है उसको देख करके वो लोग बोलते हैं। तो इन आंकड़ों के जाल में अभी प्रोफेसर जी ने बात भी रखी कि आज आम आदमी इस दौर में महंगाई के जाल में और सरकार के आंकड़ों के मकर जाल में फंसा हुआ है। ये हमने नहीं कहा है, इस सत्ता पक्ष के जो लोग विपक्ष में बैठे हुए थे तब इन लोगों ने इसी बात को कहा था। और आज मैं आपके सामने ये बिल दिखा रहा हूँ आपको, केंद्रीय उपभोक्ता भंडार, जो केंद्रीय उपभोक्ता भंडार का बिल है, 841 रुपये का सामान खरीदा गया और उस पर 84 रुपये का इस पर टैक्स लगा हुआ है, जिसपे दाल है, साबुन है, जरूरतमंद का सामान है, वहाँ टीवी फ्रिज नहीं मिलता है, केंद्रीय उपभोक्ता भंडार पे वही सामान मिलता है जो डेली यूज में होता है। मान कि एक गरीब आदमी अगर 841 का सामान खरीदेगा तो 84 रुपये का टैक्स को देने का काम करेगा। श्रीमान जी, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि गरीबों की थाली से रोटी छीन के अमीरों को मलाई खिलाना बंद कर दीजिए, इससे देश का भला नहीं होने वाला। इस देश का भला नहीं हो सकता। अगर आप कुछ दे सकते हैं देश को तो आप एजुकेशन को फ्री कर दीजिए, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो आपको फ्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल लोकसभा के अंदर शायद एक सांसदगण ने बोला फ्री फंड का देते हैं, ये सरकार की उपलब्धि नहीं होती है। फ्री फंड का देना, फ्री बीज कोई सरकार की उपलब्धि नहीं है। आपकी उपलब्धि तब होती है जब आप आवाम को इतना ताकतवर बना दो कि वो महंगी से महंगी चीजें खरीद सके। इतनी ताकत बना दीजिए, आप एजुकेशन दीजिए, उसके लिए रोजगार परक अवसर उत्पन्न कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक उसको खरीदना शुरू कर देगा। इसलिए श्रीमान जी, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए। और अभी श्रीमान जी 2 मिनट ही हुए हैं, आपने सबको 2 मिनट ही आपका टाइम है, प्लीज। ठीक है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं अपनी बात को। मैं आपके माध्यम से सरकार से, मेरा ये निवेदन है आपसे, निवेदन है कि जो आटा, दाल, चावल, जो रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं, गरीब आदमी और आम आदमी जिस तरह से अपनी मजदूरी करके पेट चलाता है, उसको ध्यान में रख करके इसको बैक कर लिया जाए। इससे जीएसटी जो दाल, आटा, दूध, गेहूं जो भी लगाया गया है, इससे खत्म कर दिया जाए। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।